राखी सावंत और आदिल दुर्रानी का मामला किसी भी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन इस मामले में कोई न कोई नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। राखी सावंत आदिल पर कई सारे आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। राखी ने अपने पति आदिल पर केस किया है और उन्हें जेल की हवा खिलाई। अब इस मामले में एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा बात करती हुई दिखाई दी हैं। शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के पति आदिल को एक सुलझा हुआ इंसान और भाई तक बताया है। आदिल के बारे में बात करते हुए शर्लिन ने कहा, आदिल के साथ पुलिस स्टेशन में कुछ समय बिताकर मैं इतना कह सकती हूं कि वो बहुत सुलझा हुआ बंदा है। पता नहीं वो कैसे इस पूरे झमेले में फंस गया, लेकिन जितनी देर मैंने उससे बात की ऐसा लगा मुझे कि सुलझा हुआ बंदा है। और मैंने बोला भी उसको उसके मुंह पर कि तुम तो सुलझे हुए लगते हो, तो कहां आ गए तुम, कैसे फंस गए इस पूरे चक्कर में। और सुर्खियों में आने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये लोग आपस में खिटपिट करें या अपने रिश्ते का मजाक बनाएं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शर्लिन चोपड़ा ने कहा, मैंने राखी के पति यानी आदिल को अपना भाई माना है। राखी के बारे में सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी जैसी भी उम्मीद करती हूं दोनों के बीच चल रहा विवाद जल्द ही खत्म हो जाए। अगर सच में राखी के पति ने ऐसा कुछ किया है तो वो अपनी गलती मान ले, और अगर नहीं तो ये गलतफहमी कैसे और किसके कारण पैदा हुई। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब शर्लिन चोपड़ा राखी सावंत को लेकर कोई बात रखती हुई नजर आई हूं। इससे पहले भी दोनों के बीच काफी विवाद देखने को मिला है।